नमस्कार, इनबीसी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। दर्शकों को हम नागपुर शहर के विविध स्थानों का आज मुआयना करवा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि नागपुर नगरी अयोध्या नगरी बन चुकी है। नागपुर के विविध, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले हमारे प्रतिनिधि अभिषेक पांसे जी के साथ थे, जिन्होंने बताया कि महल में क्या स्थिति है। अब वैसे ही हमारे दूसरे प्रतिनिधि संजय मीरे जी अभी बड़कत चौक में मौजूद है। जी हाँ मीरे जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी पूरी आवाज अच्छे से आ रही है मुझे, क्या मेरी भी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ बिल्कुल। और किस तरह का माहौल है बड़कत चौक में? जिस तरह से राम जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जिस तरह से आपके पीछे कई काफी महिलाएं दिख रही है, क्या माहौल है वहाँ पे? सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 12:44:08 से लेके 12:44:40 ये जो 32 सेकंड जो है वो शुभ मुहूर्त माना गया है। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये चांदी की ईंट वहां पे रख के शिलान्यास करने वाले हैं। और आज दिन भर में काफी प्रोग्राम शहर भर में किए जा रहे हैं। इस समय में हम बड़कत चौक में, जहां पे तमाम महिलाएं पूरा उत्साह और आनंद के साथ में यह कार्यक्रम मनाते हुए नजर आ रही है सर। जी हाँ, जिस तरह के साथ सब सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क पहन के कुछ महिलाएं दिख रही है वहां पे मुझे, क्या उनसे आप बात कराना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। ये तमाम महिला है, आप यह बताइए कि किस तरह से ये कामकाज हो रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रही हो आज के इस कार्यक्रम को लेके? आप तो अभी देख ही रहे थे कि महिलाओं में कितना उत्साह है। हर चौक में, हर चौराहे पर, हर गली पर भगवे झंडे हैं, रंगोली से रास्ता सजाया गया है। और आज सुबह की भागदौड़ को मद्देनजर करते हुए, नजरअंदाज करते हुए, इतनी सारी महिलाएं कुछ तैयार होकर यहाँ पर पहुंची है। अब पूरे शहर में, यहाँ के आसपास के सभी चौराहों में हम जाकर आए, अतिशय उत्साह का वातावरण है, सभी जगह आनंद ही आनंद है। क्या मिठाई के बारे में क्या कहना चाहूंगी? मिठाई के बारे में ये है कि आरती होने के पश्चात मैं स्वयं खुद 151 किलो बूंदी का वितरण होगा, लेकिन गर्दी नहीं होगी, भीड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए बस्ती बस्ती में हम लोग वो करने वाले हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस माहौल को लेके मास्क लगाना चाहिए या सैनिटाइज आप सबने किया है? बिल्कुल, हम सारी महिलाओं ने हमारे मास्क और सैनिटाइज का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा है। आप देख रही है पारंपरिक वेशभूषा में हमारी सारी मातृशक्तियाँ एकत्र जमा हुई है, जो कि सुबह का टाइम हम महिलाओं के लिए बहुत कठिन होता है, पर आज राम जी के मंदिर के उपलक्ष्य में सारी महिलाओं ने सारा उल्लास अपने चेहरे पर, अपने परिधान पर, और हर चौक में, हर गली गली में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल राम जी का ही माहौल है। जय श्री राम। आप ये बताइए कि जिस तरह से आज महिला ने जो सोशल डिस्टेंसिंग रखना था वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, जबकि कार्यक्रम तो अच्छा हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, मतलब सबने मास्क बांधे हुए हैं, हमारे साथ सैनिटाइजर है सब। मैं बस अभी यहीं पे थोड़ा सा आस पास में खड़े हैं, लेकिन घूम रहे थे तो सोशल डिस्टेंसिंग था। तो आपकी महिला जिन्होंने भूपेर बेबा के साथ बात करते हुए कहा कि उन्होंने मास्क भी लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखा है और सैनिटाइज भी किया है, और पूरे उत्साह का माहौल आज बड़कत चौक पे है। हम आपको थोड़ा पहन करके बताएं कि किस तरह से यहाँ पे पटाखे लगाए गए, झंडे लगाए गए हैं, भगवे झंडे, और पूरा लाइट की पूरी व्यवस्था, सजावट यहाँ से बढ़िया तरीके से की गई है। तो वहीं पुलिस के इंतजाम भी बड़े पैमाने पे दिखाई दे रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे सभी राम भक्त मौजूद है। मैं जैसे कि मैंने कहा, फिर से एक बार बता दूं कि 12:44:08 पे देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी चांदी की ईंट अयोध्या में रख के शिलान्यास करने वाले हैं। 12:44:40 में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 32 सेकंड काफी महत्वपूर्ण है, जिसको शुभ मुहूर्त कहते हैं, और इसी दरमियान ये शिलान्यास होने वाला है सर। जी हाँ, जैसे कि आपने कहा कि जो शुभ मुहूर्त पे शिलान्यास होने वाला है, तो उस समय में कुछ पटाखे और मिठाइयां, तो आपने बोला है कि पटाखे वगैरह फूटने वाले हैं क्या वहाँ पे? जिस तरह से कहा गया था, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कहा गया था, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद, तमाम हिंदूवादी संस्थाएं ने कहा गया था कि आज का दिन हम दिवाली जैसा मनाएंगे। और जिस तरह से आपने कल देखा कि पूरे बड़कत चौक हो या महल हो या पोदारेश्वर राम मंदिर हो, पूरा नागपुर राममय हो गया था, अयोध्यामय हो चुका था।
तो क्या लगता है कि अभी भी जिस तरह के जिस तरह से थोड़ी देर पहले अभिषेक ने बताया कि भव्य रंगोली वहां निकाली गई थी, उसके बाद आरएसएस हेडक्वार्टर के सामने भी निकाली गई थी, वहां पे भी ऐसे कुछ नजारे है क्या जो दर्शकों को आप दिखा सकेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं यकीनन इसको दिखा सकता हूँ कि बड़कच्चों के उस सड़क पे महिलाओं ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आकर्षक ऐसी रंगोली निकाली है। थोड़ा पहन करके आप बताइए, यहीं से बता देते कि कुछ महिला भी वहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ रंगोली काफी अच्छी यहाँ सजावट की है। इस चौराव के पूरे अगल बगल में रंगोली से ये पूरा क्षेत्र सराबोर हो उठा है और यहाँ पे सभी लोग है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि इधर पूरे लोग खड़े हैं, पूरे कार्यकर्ता राम भक्त खड़े हैं। जहाँ रंगोली की बात है तो वो जगह है जहाँ पे रंगोली निकाला गया। कहने का तात्पर्य है कि इस शहर के हर चौराहों पे रंगोली का जो है आकर्षक रंगोली निकाली गई है और लोगों का आना जाना भी लगातार जारी है। इस समय में हमारे साथ में गिरीश राजू जुड़ चुके हैं, उनसे चाहेंगे सर लाइव पे। हाँ गिरीश साहब, ये बताए कि किस तरह से कामकाज चल रहा है, कैसा माहौल बना हुआ है बड़का चौक पर? देखिए सुबह से ही माहौल इसी प्रकार का है और ये माहौल देश के प्रत्येक शहर में, गांव में, गली में प्रत्येक व्यक्ति जो हिंदू है, जिसका राम पर आस्था है, वो वैचारिक सारे विरोध के बावजूद इस मंदिर के निर्माण से खुश है। उसका सपना पूरा हो रहा है, मंदिर वही बनाएंगे, रामलला मनाएंगे, इस नारे के साथ जिन्होंने अपना बलिदान किया उन सारे कार्यकर्ताओं को अपनी भावना आदरांजलि व्यक्त करने का दिन है। उनका सपना साकार हुआ और आज हम यही प्रकटीकरण यहाँ पर हो रहा है और यह सुबह से रंगोली लगी है। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में मिठाइयाँ बांटी जा रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखों का शो होगा, थोड़ी देर बाद महाआरती होगी। ये समानंद इस व्यास चौक पर हो रहा है। बिल्कुल सर, जिस प्रकार से बैठ चुके तमाम बातें हो रही है, लेकिन आपने देखने में यह आया कि चाहे मनपा प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, 144 की धारा अभी भी बरकरार है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए प्रशासन को अपना काम करना है और हम हिंदुओं को अपना काम करना है, हमारा आनंद जो है हम व्यक्त कर रहे हैं और इसके बाद में प्रशासन में जो निर्णय करना वो प्रशासन करे। हमने कब राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय इसकी कायदे की चिंता नहीं की थी, आज वो सपना साकार हो गया। तो राम के लिए एक अगर कोई धारा तकती है तो उसके लिए हमको कोई मन में कोई किला नहीं, कोई शिक्षा नहीं, हम हमारा काम करेंगे। सर जहाँ रोशनी की बात है, हर घर में दीप जलाए जाएंगे ऐसा कहा जाता है, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखो हम सारे लोगों ने सामूहिक दिवाली मनाने का कार्यक्रम तय किया है, हर परिवार 5 दिए जलाए और प्रभु रामचंद्र के निर्माण के इस पर्व को आनंदित उत्साह में मना, यही हमने आह्वान सबसे किया। सर आरती का समय क्या होगा? 12 बजे का समय आरती यहाँ होगी, अयोध्या की आरती के पहले हम यहाँ पर अपनी आरती करेंगे। देखो जिस प्रकार से अयोध्या में तीन दिन का अनुष्ठान चला था, उसी को लेकर नागपुर शहर में भी महाआरती अभी थोड़ी देर में होने वाली है। 144 के धारा जो लगी उसके बारे में जब हमने गिरीशराज सिंह से बातचीत की तो गिरीशराज सिंह ने बताया कि उस राम जन्मभूमि के उस जो एक दौर था वहाँ पे भी कुछ कलम लगाई गई थी, उसकी जब फिक्र नहीं की तो 144 की धारा की हम फिक्र क्यों करें। ये कहीं ना कहीं उनके हिसाब से सही हो लेकिन प्रशासन के हिसाब से पूरी तरह से गलत है सर। जी हाँ, जिस तरह से आपने कहा कि गिरीशराज जी ने हमको जानकारी दी कि 12 बजे अयोध्या से पहले नागपुर में महाआरती होंगी। जी हाँ, आरती के साथ साथ कई स्थानों पर लड्डू भी बांटे जा रहे हैं, क्या बड़कर चौक में भी यही वातावरण देखा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ज्यादा मिठाई बांटी जा रही है सुबह से ही, अब तक के कई क्विंटल अब तक के लड्डू बांट चुके हैं और लोग अब अपने तरीके से यहाँ पे कोई अलग अलग मिठाई के जो पदार्थ होते हैं वो ला ला के लोगों को लाकर उनका मुंह मीठा करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मेरे सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साथ ही हम थोड़ी देर के जी सर 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 थोड़ा पुलिस का काफी तगड़ा बंदोबस्त है, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा उसके बारे में कुछ। बिल्कुल मीरे जी, आप मुझे बताइए कि बड़कर चौक में किस तरह का पुलिस प्रशासन के ओर से बड़कर चौक या पूरे सिटी में, आपने कुछ देर पहले नीलेश भरने जी से बात की थी, तो किस तरह से बंदोबस्त लगा हुआ है? बिल्कुल पुलिस का इस तरह से तगड़ा बंदोबस्त है कि कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता, पूरे एहतियात आज पुलिस प्रशासन ने यहाँ बरते हुए दिखाई दे रहे, चाहे ATS हो, QRT हो या पुलिस के जो अन्य दल बल है, वो बम निरोधक दस्ता हो,
वे तमाम तमाम लोग हर शहर के चौराहों पे पैनी नजर रखे हुए हैं और किसी भी शरारती तत्व द्वारा कोई भी अनुचित घटना न हो इसलिए पुलिस का भारी भरकम बंदोबस्त भी दिखाई दे रहा है। हम विजुअल के माध्यम से आपको पुलिस बताएंगे कि चौराहों के हर दिशा में पुलिस पूरी तरह से फैल चुके हैं, जहाँ कुछ ट्रैफिक के पुलिस है, QRT है, ATS है, बम निरोधक दस्ता है, पुलिस की वैन यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्थानीय पुलिस है। और जिस प्रकार से नीलेश भरने साहब से बात किया, नीलेश भरने साहब ने यह बताया कि पुलिस का भारी भरकम बंदोबस्त है और पूरी तरह से गश्त करते हुए पल पल की वो अपडेट अपने अन्य अधिकारियों के माध्यम से ले रहे हैं ताकि शहर में कोई भी घटना नहीं होना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ में पुलिस प्रशासन का आज के दिन में बहुत अच्छा काम का शुरू है, ऐसा अगर मैं कहता हूँ तो कोई तो राय नहीं होगी सर जी। मीरू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से शहर के बरगद चौक महल में ऐसा वातावरण है, तो ऐसा ही वातावरण शहर के किस किस स्थानों में, किस किस जगह, जैसे कि आपने सुबह सुबह नागपुर घुमाया है, तो किस तरह प्रकार की तैयारी नागपुर में दिखी अलग अलग एरिया में? बिल्कुल, जैसा मैं सदर की बात करूं, महल की बात करूं, या फिर अन्य गिट्टी खदान की बात किया जाए, या दक्षिण नागपुर के जो अलग अलग चौराहा है, जैसे तुकड़ोजी पुतला है, उसमें मानेवाड़ा चौक आता है, मालकी नगर चौक आता है, दिघोरी चौक आता है, या उत्तर नागपुर का अगर हम देखें तो बालाभाऊ पेट आता है, जसवंत टॉकीज चौक है, ऐसे शहर के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के हर चौराहों को पूरी तरह से सजाया गया है, भव्य पताका से पूरा क्षेत्र सराबोर उठा है, झंडे लगाए गए हैं, सुंदर सुंदर रंगोली की सजावट भी की गई है, हर चौराहों पे राम भक्त मिठाई बांटते हुए नजर आ रहे हैं, कई ढोल नगाड़े ताशे भी बज रहे हैं, तो वहीं कुछ महिलाएं अपनी इसका आनंद लेते हुए जय श्री राम के जय घोष लगाते हुए इसका मार्गक्रमण करते हुए नजर आ रही है। और इसी प्रकार से हर चौराहों पे एक उत्साह और खुशी का वातावरण इसका इंतजार करते हुए हर कोई दिखाई दे रहा है सर जी। हाँ, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने मीरू जी यहाँ पे दी, और आपसे हम थोड़ी देर के बाद और जुड़ेंगे। दर्शकों, हम आपको बता देते हैं कि हमारे प्रतिनिधि संजय मीरू जी जो बरगद चौक में मौजूद थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ मीरू जी, हम आपसे थोड़ी देर के बाद फिर से मिलेंगे। दर्शकों, आपको नागपुर की आज की रामलला के जो आज शिलान्यास होने वाला है अयोध्या में, जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 बजे के बाद करने वाले हैं, अभी से कुछ समय बाद पल, और उसी के तर्ज पर आज नागपुर के हर गलियारों में अयोध्या में की स्थिति जो दिख रही है, जहां जहां देखो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, मिठाइयां बांटे जा रही है, भगवान रंग से पूरा नागपुर ये सरोवर हो चुका है। और कल रात में हमने आपको दिखाया कि हर जगह जगह में इस तरह के दिए लग चुके थे, चाहे वो पोदारशाह राम मंदिर हो, जो दूसरा अयोध्या नागपुर को कहा जा रहा था। बिल्कुल ऐसी पल पल की जानकारी हम आपको इन विषय के माध्यम से देते रहेंगे। तब तक थोड़ी देर के लिए लेते हैं ब्रेक, आप बने रहे इन विषय के साथ। नमस्कार।